हेलो गाइस, आई एम पूनम बड़गुजर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी इन विद्या मंदिर क्लासेस. टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द वाटर चैप्टर. सेकंड लेक्चर इज देयर, राइट? सो बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? हम लोगों ने आई थिंक डीसेलिनेशन ऑफ वाटर कर लिया था, राइट? डीसेलिनेशन ऑफ वाटर के बाद में अब हम लोग आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर पे, राइट? और ये जो टॉपिक्स हैं मैंने ऑलरेडी तुम्हारे जूम सेशंस में कवर अप कर चुके हैं, सो वील डू लिटिल बिट फास्टर इन दिस. एंड जो नया टॉपिक होगा वो मैं थोड़ा और स्लो कर दूंगी, राइट? बल्कि ये भी स्लो ही रहेगा. फॉर्म्स ऑफ वाटर की बात करते हैं. अब फॉर्म्स ऑफ वाटर का मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं. दिस इज फॉर्म्स ऑफ वाटर का मतलब है कि वाटर किस किस फॉर्म में तुम्हें दिखाई देता है. You can see water in the form of ice. You can see the form of water, liquid. You can say कि liquid water मुझे दिखाई देता है. Ice की form में होता है, liquid water की form में होता है, और एक gaseous form में होता है. अब gaseous form का मतलब क्या है? Gaseous form का मतलब है you can say the water vapors, vapors की form में होता है. तो basically यहाँ पे मुझे deal करना है इन तीनों के साथ ही deal करना है कि ये solid, liquid, gas कैसे है, क्या है, and all these things, right? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेसेस पे एक्सप्लेन कर देती हूँ साइड बाय साइड में, उसके पॉइंट्स भी जो हैं. देखो, आइस से अगर मुझे वाटर में कन्वर्जन करनी है, या फिर मैं कहूँ लिक्विड से मुझे गैस में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगी? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मुझे आइस से मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो तुम क्या करोगे बेटा? इसे हीट करोगे, इसे हीट करोगे. हीट करने का मतलब क्या है? यहाँ पे तुम टेम्परेचर को क्या करोगे बेटा? इंक्रीज करोगे, राइट? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि लिक्विड से मुझे दोबारा गैस में जाना है, तो भी मुझे इसे हीट करने की जरूरत है. अगर मुझे गैस से लिक्विड में जाना है, तो तुम कहोगे इसे कूल करने की जरूरत है. ऑब्वियस सी बात है, रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, तो याद करने की भी वो नहीं बनता है. सीधा हम लोग दिमाग लगाओ तो उसका उल्टा करना है. तो हीट का उल्टा क्या होता है बेटा? कूल करना होता है. और दूसरा मेरे पास एग्जाम्पल है ना बेटा, जब तुम लोग ये आइस वाटर है, नो, यू हैव अ लिक्विड वाटर प्रेजेंट विद योर सेल्फ, देन यू हैव टू मेक द आइस. वॉट यू विल डू, कीप दैट ट्रे ऑफ वाटर एंड कीप दैट ट्रे इन द रेफ्रिजरेटर सो दैट यू विल गेट द आइस. दैट मीन्स वॉट, कि आपने लिक्विड वाटर को क्या कर दिया है? कूल कर दिया है. किस में कन्वर्ट करने के लिए? आइस में कन्वर्ट करने के लिए. ये तो सारे प्रोसेसेस हैं जिसमें कि कन्वर्जन्स हो रहे हैं. अब इन्हीं प्रोसेसेस में मुझे ये चीज देखनी है कि आइस से लिक्विड वाटर जाने के लिए दैट प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा? मेल्टिंग. मेल्टिंग होता क्या है? मेल्टिंग इज इक्वल टू द प्रोसेस ऑफ the process of conversion of solid to liquid is known as melting. अब यही पे liquid से वो gaseous form में जाने के लिए या vapors form में जाने के लिए process को क्या बोलते हैं? This is boiling, right? बॉइलिंग को ही मैं कह सकती हूँ इवेपोरेशन हो रहा है. ये प्रोसेस दोनों सेम रहेंगे बट पॉइंट सेम नहीं रहेंगे. इसका मतलब देखो क्या होता है. दिस इज इवेपोरेशन, लिक्विड को गैशियस में कन्वर्ट करना. नाउ गैशियस से लिक्विड में जाना, तो तुम क्या कर रहे हो? उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट? तो मैं कह सकती हूँ बेटा कंडेंसेशन, कंडेंस कर रही हूं मैं चीजों को. और लिक्विड से आइस जाने वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग. अब एक और बात है, ये जितने भी प्रोसेस है जरा हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं. दिस इज बॉइलिंग, दिस इज कंडेंसेशन, एंड यू हैव फ्रीजिंग इज देयर, राइट? अब ये प्रोसेस होते क्या है हमें ये देखना है. द बॉइलिंग अभी मैंने तुम्हें बता दिया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ क्या? लिक्विड टू गैस. लिक्विड टू गैस. कंडेंसेशन की अगर मैं बात करती हूँ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, कंडेंसेशन में क्या हो रहा है बेटा? गैस टू लिक्विड हो रहा है. बात करते हैं फ्रीजिंग की, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ
फ्रीजिंग क्या है, लिक्विड टू सॉलिड। राइट, यहीं पे बेटा मुझे सारी चीजें और एक्सप्लेन करनी होती है। एक तो है मेल्टिंग पॉइंट, एंड यू हैव बॉइलिंग पॉइंट। देखो, और यू हैव फ्रीजिंग पॉइंट। राइट, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ, दिस इज द टेम्परेचर। मेल्टिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द, टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट, बिकॉज ये बेटा एक फिक्स टेम्परेचर पे ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, बिकॉज द टेम्परेचर The temperature at which solid is converted into solid turns to liquid is known as the melting point. अगर बेटा मैं यही पे तुम्हें example दूँ, example of water, तो water के लिए जो melting point होता है वो क्या होता है, 0 degree Celsius होता है, right? वहीं पे boiling point की बात करूँ तो boiling point क्या होता है, the temperature at which liquid turns to gas is known as the boiling point. अगर यही पे मैं example करूं, बात करती हूँ water की, तो water के लिए बेटा तुम्हें पता है कि water का जो boiling point होता है वो 100 degree Celsius होता है, right? देन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे भी वही चीज है, सब कुछ लैंग्वेज सब कुछ सेम है, द टेम्परेचर एट विच, बस एक वर्ड चेंज हो जाएगा, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड टर्न्स टू सॉलिड सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ वॉटर की, तो वॉटर के लिए बेटा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 degree Celsius ही है। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, फॉर वॉटर मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट बोथ आर सेम। फॉर वॉटर सिर्फ, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पानी के लिए, फॉर वॉटर, पानी का मेल्टिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट बोथ आर सेम। अगर मैं बात करूँ कि वो क्या है, तो दैट इज बेसिकली 0 degree Celsius, और 0 degree Celsius को तुम 273 Kelvin भी बोल सकते हो, राइट? बोथ आर सेम थिंग है। ओके, नेक्स्ट वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर वॉटर साइकिल। तो हम लोग वॉटर साइकिल कवर अप कर लेते हैं फटाफट से। What do you mean by water cycle? तो water cycle को सबसे पहली बात, water cycle की बात करते हैं। Water cycle is also known as, this is also known as the hydrological cycle. This is, मतलब both names are same. तो मैं ये कह सकती हूँ कि water is known as the hydrological cycle, right? Water is also known as hydrological cycle, right? तो बेटा यहाँ पे हम लोग जरा बात करते हैं, यहाँ पे हम अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं what do you mean by water cycle? अब देखो, cycle का मतलब है कि यहाँ से शुरू हुआ, वहीं पे जाके खत्म हो गया, that is known as the hydrological cycle, right? अब देखो यहाँ पे ये मैं जरा बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मान लो ये वाटर बॉडी है, ये कोई भी वाटर बॉडी है। वाटर बॉडी का मतलब है इट कैन बी लेक, इट कैन बी पॉन्ड, इट कैन बी रिवर, इट कैन बी ओशन, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ट्रीज की, दीज आर योर ट्रीज एंड आई हैव क्लाउड्स ओवर हियर, ये है तुम्हारे क्लाउड्स एंड ये है ट्रीज, और मैं यहाँ पे बात कर देती हूँ दिस इज सन
ओके, सी व्हाट विल हैपन, कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो इसके अंदर में, वाटर साइकिल के अंदर में होते हैं, वो हमें देखने हैं। अब देखो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ द सन हीट एनर्जी द वाटर विल इवेपोरेट। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इवेपोरेशन विल टेक प्लेस। इवेपोरेशन पता है लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, राइट? तो यहां से बेटा इवेपोरेशन विल अकर, तो यहां से इवेपोरेशन होगा, राइट? नाउ ट्रीज की लीव्स में से भी इवेपोरेशन होता है, उसे हम लोग कहा कहते हैं ट्रांसपीरेशन, राइट? नाउ दीज वेपर्स विल कलेक्ट ओवर हेयर इन द क्लाउड्स एंड दे विल बेसिकली कंडेंस। तो यहाँ पे एक और प्रोसेस होता है, दैट इज नोन एज द कंडेंसेशन। When the clouds are very heavy, तो these clouds will fall in terms of the liquid. अब देखो, जब जब ये clouds बहुत ज़्यादा heavy हो जाते हैं, तो what will happen? They will come down in the form of rain, right? So this process is known as the precipitation. Precipitation. This process is known as the precipitation, right? This process is known as precipitation, right? तो ये सारी की सारी दोबारा तुम्हारे इसी में आ रही है, या और यहाँ से भी रेन अगर होगी तो हर जगह आएगी, तो this will come down again with the help of the precipitation. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे पानी नीचे से ऊपर जा रहा है and it will come back into the ground. That means ये cycle की तरह चल रहा है ना, if it is going from here, see, it is going from here. Then it is condensed over here and this will come back into the ground. So basically ये cycle चलती जा रही है, चलती जा रही है. This is known as a water cycle because water यहाँ पे evaporate हो रहा है, liquid से gas में जा रहा है, gas से दोबारा liquid में आ जा रहा है. That is known as a evaporation, condensation, precipitation, transpiration. These are the processes involved in your water cycle. Understood? बहुत इजी है ना, मोटरसाइकिल तो हम लोग कितनी बार कर चुके हैं, राइट? अब हम लोग थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ते हैं, जब हमारा नया टॉपिक आ रहा है. देखिए यहाँ पे हम लोग इसकी जरा बात कर लेते हैं बिफोर डूइंग दिस थिंग. तो मैं चाहती हूँ कि कुछ मैं तुम्हें ओके, हम लोग सोर्सेज ऑफ वाटर की बात कर लेते हैं, जिसमें मैं सबसे पहला यही सोर्स ले लूंगी. ठीक है, हम लोग सोर्सेज ऑफ वाटर की बात कर रहे थे. सोर्सेज ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि वो पानी का क्या क्या सोर्स हो सकता है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे मेनली तीन सोर्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कौन कौन से हैं वो जरा हम लोग देख लेते हैं. पहला सरफेस वाटर, दूसरा रेन वाटर, और तीसरा है अंडरग्राउंड वाटर. ये तीन वाटर है, राइट? सरफेस वाटर, रेन वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, राइट? तो यहाँ पे हमें ये तीन यहाँ पे पढ़ने हैं. तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करूंगी तुम्हारे साथ में, वो करूंगी बेटा ग्राउंड वाटर. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो डायग्राम है वो बेसिकली मेरे चीज को मैच कर रहा है, राइट? तो मैं अंडरग्राउंड वाटर की बात करती हूँ. अगर तुम दिमाग लगाओ, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरग्राउंड वाटर, तो अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है बेटा, जो पानी तुम्हारा अर्थ के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज बेसिकली अंडर द अर्थ प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज अंडरग्राउंड वाटर, राइट? द देखो यहाँ पे बेटा अंडरग्राउंड वाटर में होता क्या है, अंडरग्राउंड वाटर में होता क्या है कि अर्थ में, मान लो ये दिस इज योर अर्थ सरफेस, सम गैप्स आर देयर, उस गैप में से पानी विल गो इनसाइड एंड द वाटर विल बेसिकली कलेक्ट एट द बॉटम समवेयर. द इफ देयर इज अ गैप बिटवीन सम रॉक्स इनसाइड द अर्थ, द वॉटर विल कलेक्ट ओवर हेयर, एंड ये बहुत साल लग जाते हैं इस पानी को कलेक्ट होने के लिए, एंड दे विल कलेक्ट 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 होता रहता है, और बहुत सारा पानी अगर हो जाता है तो वहां पे एक पानी का सोर्स वहां पे बन जाता है, राइट?
अब देखो यहाँ पे मैंने ये तो समझा दिया, डीप इनसाइड योर सॉइल और यू कैन से द लेयर ऑफ द अर्थ द वॉटर स्पेस बिटवीन देम, द वॉटर विल बेसिकली गोज इनसाइड एंड इट विल बेसिकली गोज थ्रू द फिल्ट्रेशन। अब सोचो ना बेटा, यहाँ से अगर वो नीचे जा रहा है पानी सम गैप्स में से, तो वो हर एक सॉइल के पार्टिकल्स में से जा रहा है, जिसके कारण उसका खुद का फिल्ट्रेशन होता जा रहा है। तो तुम कह सकते हो कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो प्योर वाटर होता है, राइट? इट इज अ प्योर वाटर, राइट? अब यही पे मुझे दो तीन टर्म्स पढ़नी जरूरी है ग्राउंड वाटर के अंदर। व्हाट इज दैट? सबसे पहला टर्म है मेरे पास वाटर टेबल, कि वाटर टेबल होती क्या है। दूसरी टर्म है मेरे पास एक्वीफायर। तीसरी टर्म है मेरे पास सैचुरेशन जोन। राइट? तो यहां पे और फोर्थ टर्म है तुम्हारा आर्टिशियन वेल, राइट? अब वाटर टेबल होता क्या है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर टेबल? ये देखो, ये चीजें तुम्हें पढ़ाई गई है। इफ यू नो दैट तो पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट योरसेल्फ कि क्या है वाटर टेबल। देखो वाटर टेबल होता क्या है बेटा, वाटर टेबल इज बेसिकली द स्पेस बिलो। मैं पहले लिख देती हूँ, दिस इज द स्पेस बिलो सरफेस बिलो, वेट, दिस इज वाटर टेबल की डेफिनेशन मैं यहां पे लिख देती हूँ, दिस इज द सरफेस बिलो, सरफेस बिलो विच ऑल अर्थ मटीरियल्स ऑल अर्थ मटीरियल्स आर सैचुरेटेड विद वॉटर इज नोन एज द वॉटर टेबल। सरफेस बिलो विच ऑल द अर्थ मटीरियल्स आर सैचुरेटेड विद वॉटर इज नोन एज द वॉटर टेबल। मतलब कि मैं क्या कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो पानी है, पानी जब तुम्हारे नीचे जाएगा बेटा, दिस इज द सरफेस बिलो विच द ऑल अर्थ मटीरियल्स आर सैचुरेटेड विद द वॉटर। जो भी पानी तुम्हारा इसके अंदर जा रहा है ना, वो एक सैचुरेटेड लेवल पे आ जा रहा है। मतलब कि सारे के सारे मटेरियल्स है जो कि सारे वाटर से सैचुरेट हो चुके हैं, दिस इज नोन एज द वाटर टेबल, राइट? सरफेस बिलो विच ऑल अर्थ मटेरियल आर सैचुरेटेड विद वाटर। पानी से जो भी मटेरियल अर्थ के नीचे प्रेजेंट है, सैंड हो गई है, स्टोन्स हो गए, रॉक्स हो गए, सारे कुछ सैचुरेट हो चुका है, उसके बाद में वाटर का कुछ जो लेवल बना होगा दैट इज नोन एज द वाटर टेबल, राइट? अगर मैं इस डायग्राम में तुम्हें शो करने की कोशिश करूं, द सैचुरेटेड लेवल इज नथिंग बट द वॉटर टेबल ही है जहां पे सब कुछ सैचुरेट हो चुका है, राइट? ओके, नेक्स्ट वी हैव द एक्वीफायर। तो बिफोर द एक्वीफायर आई विल ओके, ठीक है। एक्वीफायर का मतलब क्या होता है? देर आर द हार्ड रॉक्स विच बिलो द वॉटर टेबल एंड द गैप्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द रॉक स्टोर वॉटर। मतलब क्या है? कुछ भी दो रॉक्स होंगे, उनके बीच में पानी बहुत सारा इकट्ठा हो चुका होगा, एंड दैट वाटर, जो कलेक्टेड वाटर है, दैट इज नोन एज द एक्वीफायर। तो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स में लिख सकती हूँ कि द रॉक देखो, दिस इज देर आर द हार्ड रॉक्स बिलो द वॉटर टेबल है, जहां पे भी ये वॉटर गैप्स बिटवीन द लेयर ऑफ द रॉक्स एंड स्टोर वॉटर।
यहाँ पे बेटा कितनी भी रॉक्स होंगी ना, जितनी भी हार्ड रॉक्स होंगी उनके देखो, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, जो भी तुम्हारा गैप्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द रॉक होगा वहां पे पानी स्टोर हो जाता है, राइट? वो जो पानी स्टोर हो रखा है इज नोन एज द एक्वीफायर. तो आई कैन से द गैप बिटवीन बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक्स रॉक्स स्टोर वॉटर. राइट? और ये सारा का सारा कहाँ पे हो रहा है? इट इज बेसिकली बिलो द वॉटर टेबल. ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है? बिलो द वॉटर टेबल. राइट? अब बात करते हैं बेटा सैचुरेटेड जोन की, सैचुरेशन जोन, या फिर मैं कह सकती हूं कि अब ये जो चीजें है ना, देखो ये दीज आर नोन एज आस्ट्रियन वेल्स. इसमें होता क्या है, रॉक्स के बीच में पानी इकट्ठा हो जाता है एंड यू कैन पंप दैट वाटर आउटसाइड विद द प्रेशर. ये पानी प्रेशर के साथ में बाहर आता है. दीज आर नोन एज द एस्ट्रियन वॉल्स वेल्स, जो कि यूज होता है पानी की, यू कैन से कि रेन वाटर आई यहां से, अगर कोई भी रेन वाटर आई तो रेन वाटर क्या करेगी बेटा, जो गैप्स होंगे उसके अंदर से ग्राउंड वाटर में पानी भर जाएगा. अब वो पानी भरता जाएगा एंड इतना सारा हो जाएगा कि यू कैन पंप दैट वाटर आउटसाइड फॉर योर फर्दर यूज. दिस प्रोसेस, और यू कैन से कि दिस स्टोरेज ऑफ वाटर ओवर हेयर एंड यूजिंग दैट वाटर इज नोन एज द एसटीएम वॉल. वो कुएं की तरह पानी जैसे होता है ना, वैसे ही मैं इस पानी को इस्तेमाल कर सकती हूँ नॉर्मली. सैचुरेशन जोन की बात करते हैं, द एरिया वेयर वाटर फिल्स द एक्वीफायर इज नोन एज द सैचुरेशन जोन. मतलब कि पूरा का पूरा पानी ही तुम्हारा सैचुरेट हो चुका है, वहां जहां तक पानी पूरा भर जाएगा दिस इज नोन एज द सैचुरेशन जोन. तो मैं कह सकती हूं एरिया वेयर वॉटर फिल्स द एक्वीफायर इज नोन एज द सैचुरेशन जोन. तो सर जहां तक वो एक्वीफायर में पानी भर जाएगा दैट इज नोन एज द सैचुरेशन जोन. राइट? नेक्स्ट वी हैव, अब बेटा नेक्स्ट में जो करना है हमें वो नेक्स्ट में ना, यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया. तो यहाँ पे तुम्हें मैप्स दे रखे हैं जहां पे तुम्हें ये देखना है कि पानी कहाँ पे ज्यादा आता है, कहाँ पे ज्यादा बारिश आती है. दिस यू विल डू इन द ज्योग्राफी ऑल्सो, यू कैन रीड दैट पार्ट. अब यहाँ पे जो पेज नंबर है, पेज नंबर आई थिंक 115 है, फ्रॉम वेयर यू हैव टू बेसिकली मेड कि कहाँ कहाँ पे बारिश आती है. तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, रीड द पेज नंबर 115 फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड यहां पे देख लो कहां कहां पे बारिश आती है, तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा. राइट? इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड जस्ट लेट मी नो. नेक्स्ट जो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक है, नेक्स्ट इज योर हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. देखो किसी भी वाटर को हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर कहने का अधिकार जब है, जब उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट है या नहीं है, वो अगर मुझे पता चल गया है. अगर मैं कहती हूँ कि कोई भी हार्ड वाटर है, कुछ भी चीज, अगर वाटर, इफ आई कैन से कि दिस वाटर इज अ हार्ड वाटर, दैट मीन्स वाटर, व्हाट आई कैन से, तो मैं वहां पे कहना चाहती हूँ द वाटर विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन एक्सेस इज नोन एज द हार्ड वाटर. The water which contains excess of calcium and magnesium salts is called hard water. अब सॉफ्ट वाटर क्या होगा ये देख लेते हैं. राइट? सॉफ्ट वाटर में क्या होगा, इट डज नॉट हैव द कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स
डज नॉट और हैव द माइन्यूट क्वांटिटी, होगा भी तो माइन्यूट क्वांटिटी में होगा, बल्कि होगा ही नहीं इतना मान के चलो, इट डज नॉट हैव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, राइट। अब दूसरी बात है, किसी भी, अब मुझे कैसे पता चलेगा हार्ड वाटर है, तो टैप वाटर, जो टैप वाटर होता है वो ले लो, तुम टैप वाटर ले लो। टैप वाटर में होता क्या है, टैप वाटर में अगर तुम बेटा वाटर लो, जो नॉर्मल तुम्हारा वाटर होता है उसमें तुम सोप डालो, राइट, सोप तुम्हें पता है क्या होता है, तो अगर वहां पे तुम्हें देखेगा कि इनसॉल्युबल पीपीटी बन जाएगी, इनसॉल्युबल सॉलिड विल गेट फॉर्म्ड। अगर ऐसा होता है किसी पानी में सोप के डालने से, तो दैट इज नोन एज द हार्ड वाटर। पर होता क्या है, यही नॉर्मल, अगर मैं सॉफ्ट वाटर लू, राइट, और उसमें मैं सोप ऐड करूं, सोप ऐड करूं, और यहां पे नो, आई कैन से नो इनसॉल्युबल सॉलिड विल फॉर्म, नो इनसॉल्युबल सॉलिड विल फॉर्म इज नोन एज द सॉफ्ट वाटर। वहां पे बेटा कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं बनता है, यहाँ पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। हार्ड वाटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जब तुम नहाते हो बाथरूम में, देन इफ यू अप्लाई द सोप ऑन द बॉडी, यू विल फाइंड समथिंग व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट इज देयर आफ्टर योर बाथिंग, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट इज देयर इनसाइड द बाथरूम, यू विल सी दैट इज नथिंग बट योर इनसॉल्युबल सॉलिड विच इज फॉर्म्ड व्हेन द सोप इज डिसॉल्वड इन द वॉटर, राइट, वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। If you will do the same thing with the surf, you will not find anything insoluble solid which is there, right? अब देखो, hardness में भी हम लोग बात करते हैं कि वो चीज permanently hard है या temporary hard है, तो दो type की hardness of water है, right? तो two types के मेरे पास hard water में भी दो type का water है, एक परमानेंट हार्डनेस है और दूसरा क्या है बेटा, टेम्पररी हार्डनेस है। हेलो गाइस, हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे ना अभी परमानेंट एंड द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर का, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। तो मैं बात करती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो परमानेंट हार्डनेस और टेम्पररी हार्डनेस की हम लोग बात कर लेते हैं। इतना तो पता है कि हमें हार्डनेस किसके कारण है बेटा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, राइट। अब ये जो सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट डिफाइन करेंगे कि वो चीज परमानेंट हार्डनेस है या फिर वो टेम्पररी हार्डनेस है। अगर मैं हार्डनेस की बात करूं, तो परमानेंट हार्डनेस की अगर मैं बात करूं, तो परमानेंट हार्डनेस किसके कारण है, परमानेंट हार्डनेस है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम या तो सल्फेट्स या फिर क्लोराइड के कारण। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स और क्लोराइड्स, राइट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स एंड द क्लोराइड्स, दिस इज नोन एज द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं, तो दिस इज बेसिकली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। राइट, अब देखो मतलब ही वैसे पता चल रहा है कि परमानेंट हार्डनेस है कि वो एकदम ही परमानेंट है, हम लोग उसे डायरेक्टली ऐसे रिमूव नहीं कर सकते। टेम्पररी हार्डनेस को हम लोग फिर भी रिमूव कर सकते हैं, कैसे, बॉइल करके, बॉइलिंग के थ्रू हम लोग इसे रिमूव कर सकते हैं, बाय बॉइलिंग वी कैन रिमूव इट।
राइट, रिमूव इट. नेक्स्ट, हाउ कैन वी रिमूव इट? अब वो हमें प्रोसेसेस पढ़ने हैं. हाउ कैन वी रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स और द बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम द टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर, जिसके कारण हो रहा है वो, उसे हम लोग रिमूव कैसे कर सकते हैं? राइट, ये जस्ट अ सॉल्ट है जो कि क्या है बेटा, सल्यूबल है वाटर में. ये दोनों के दोनों ही सल्यूबल सॉल्ट है, ये सल्यूबल सॉल्ट है इनके. अब जैसे ही आप इसे क्या करोगे, बॉइल करोगे, तो ये सॉल्ट क्या होंगे, व्हाइट कलर की पीपीटी बन के निकल आएंगे. पीपीटी मतलब कि वो इनसल्यूबल सॉलिड बन के निकल आते हैं. तो हम लोग इसे डायरेक्टली हम लोग रिमूव कर सकते हैं. राइट नाउ, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर की हम लोग बात करते हैं. रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि हम लोग बात करेंगे बेटा कि जैसे हार्डनेस को आप रिमूव कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने सबसे पहला प्रोसेस तुम्हें बताया, बॉइलिंग. तो बॉइलिंग से क्या करोगे, टेक द जार और उसमें पानी पूरा का पूरा टैप वाटर भर के रख दो. समटाइम्स क्या होता है कि हम लोगों को टैप वाटर पीना पड़े, तो हाउ कैन यू ड्रिंक दैट वाटर? तो यहाँ पे क्या करो, इसे गैस पे रख दो, बिकॉज ये हम लोग लेबोरेटरीज में करते हैं. तो दिस इज बेसिकली आई हैव टू मेक द स्टैंड, प्रॉपर स्टैंड, और इस स्टैंड को बोला जाता है बेटा ट्राइपॉड स्टैंड. राइट, दिस स्टैंड इज नोन एज अ ट्राइपॉड स्टैंड बिकॉज इनके थ्री पॉड्स होते हैं, मतलब कि थ्री इसकी लेग्स होती है, इसलिए इसे बोला जाता है ट्राई. ट्राई मीन्स तीन, ट्राईपॉड स्टैंड. दिस इज बीकर एंड दिस इज योर नॉर्मल वाटर जो कि आपने टैप वाटर से लिया हुआ है. और यहाँ पे क्या करोगे, आप बर्नर्स लगा दोगे, यहाँ पे बर्नर लगा दोगे. दिस इज योर बर्नर. इफ यू हीट इट, व्हाट विल हैपन? यहाँ पे बेटा हीट करने पे ना समथिंग पीपीटी, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विल गेट फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. राइट, दिस इज नोन एज बॉइलिंग. में तुम लोग टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव करोगे, बाय रिमूविंग द दिस थिंग. नाउ टेक दिस वाटर. अब इसे क्या करना है, इस वाटर को लो, इसे फिल्टर कर लो. फिल्टर करने के बाद में इसे यू कैन ड्रिंक दैट वाटर. राइट, उसमें अभी ये कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट नहीं है, तो आराम से तुम इसे पी सकते हो. राइट और अगर मुझे मान लो केमिकल प्रोसेसेस इसे यूज करने हैं, केमिकल प्रोसेसेस टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ द वाटर, तो मैं इसमें क्या डालूंगी, वॉशिंग सोडा आई कैन ऐड. बाय एडिंग वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा ऐड करके, बाय वॉशिंग सोडा डालने के बाद में मैं इसकी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर सकती हूँ. राइट, दिस इज वन ऑफ द, तुम ऐसे भी कह सकते हो कि केमिकल मेथड से मैं बेसिकली परमानेंट हार्डनेस को निकाल सकती हूँ. टेम्पररी हार्डनेस के लिए मैं नॉर्मली बॉइल कर सकती हूँ. थर्ड आई हैव आयन एक्सचेंज मेथड. राइट, हमें इस क्लास में सिर्फ ये मेथड देखना है, आयन एक्सचेंज मेथड, जिससे कि ये सेपरेट आउट हम लोग कर सकते हैं. इन डिटेल्स वी विल स्टडी इन द हायर क्लासेस. राइट नाउ वी हैव द वन मोर टॉपिक इज लेफ्ट, दैट इज स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, जो मैंने तुमसे कहा था. स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की हम लोग बात करते हैं. स्कैर्सिटी ऑफ वाटर का मतलब है कि जो पानी बेटा इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, उस पानी को कैसे बचाया जा सकता है, वो है. कि पहले तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्कैर्सिटी हो क्यों रही है, अब होने के बाद में उसे प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है. सबसे पहली बात हम लोग बात कर लेते हैं स्कैरिसिटी के कॉजेस की.
इसके कॉजेस क्या हैं, सो दैट कि हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी तो हमें ये पता चल पाएगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट, तो तुम्हारे यू हैव ऑलरेडी, इफ यू आर नॉट लुकिंग एट द बुक ऑल्सो, यू कैन सी ना कि कैसे स्कारसिटी हो रही है। तो सबसे पहली बात, इसका कॉजेस क्या हो सकता है। पहला कॉज क्या होगा, अगर मैं दिमाग लगाऊं तो दिमाग लगाओगे तो सबसे पहला पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो मैं सबसे पहला पॉइंट लिख देती हूँ, पॉपुलेशन इंक्रीज। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड्स बढ़ रही है और पानी फिर उस हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है, तो तुम सोचो पानी का कमी तो होने ही वाला है। दूसरा, इंडस्ट्रियल यूजेस की मैं बात करती हूँ, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन वर्क में बात करते हैं। अब अगर तुमने किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे इफ यू गो, तो यू विल सी कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स कह सकते हो, और यू कैन से कंस्ट्रक्शन साइट्स कह सकते हो। कहीं पे भी अगर तुम देखोगे तो यू विल सी कि वो लोग कौन सा वाटर यूज करते हैं। ये लोग बेसिकली ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, राइट। तो इससे होगा क्या बेटा, ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, या फिर ये नियर बाय जो एरिया होता है, नियर बाय रिवर का वाटर हो सकता है, नियर बाय पॉन्ड का वाटर हो सकता है, यू कैन से इट कैन बी अ लेक वाटर, राइट। तो यहाँ पे बेटा हो क्या रहा है, ये सारा पानी कंस्ट्रक्शन, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना इंडस्ट्रीज होंगी, उतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगी, जितनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगी उतना ज्यादा तुम्हारा ये पानी जो है इस्तेमाल होगा, जिससे क्या होगा, स्कारसिटी होगी। थर्ड, देखो, समटाइम्स द वॉटर इज ऑल्सो नो बेसिकली नीडेड फॉर इरीगेशन, राइट। तुमने सुना होगा खेती में हम लोग पानी डालते हैं इरीगेशन पर्पज। अब इरीगेशन पर्पज में होता क्या है, इरीगेशन पर्पज में हम लोग एक बार में, अगर रात भर वो पूरे फील्ड में पानी चलेगा तो व्हाट विल हैपन, द लेवल ऑफ द वाटर विल डिक्रीज एंड वो वेस्टेज ही है, बिकॉज यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द एक्सेस ऑफ वाटर टू द फील्ड। तो उससे या तो वाटर एक्सेस में होने के कारण क्या हो रहा है बेटा, वेस्टेज ही हो रही है। तो इरिगेशन पर्पस में भी अगर एक्सेस ऑफ वाटर यूज करें, एक्सेस ऑफ वाटर यूज क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर यूज होता ही है, जिसके कारण स्कारसिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बिकॉज ये ट्यूबवेल से पानी आएगा या किसी वेल से पानी आएगा, तो वो पानी ऑब्वियस सी बात है कम तो होता जा ही रहा है ना। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, एक तो ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के होने से हो क्या रहा है कि जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, उनके मेल्ट होने से क्या हो रहा है, फ्लड्स आ रही है। जो नॉर्मल हमारे पास प्योर पानी था ना, अब वो प्योर नहीं रह गया है। और तीसरा जो फिफ्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अगर बताऊं ना, तो हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं बेटा। डिफॉरेस्टेशन से होगा क्या, डिफॉरेस्टेशन से होगा क्या कि जब तक फॉरेस्ट है वो सॉइल को होल्ड करके रखता है। इफ वाटर विल कम या फिर रेन वाटर आएगा तो क्या होगा, बारिश के पानी को भी वो होल्ड करके रखेगी मिट्टी, सॉइल उसे होल्ड करके रखेगी। इफ डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा बेटा कि सॉइल जो वाटर को होल्ड करती है उसकी पावर खत्म होती जाती है धीरे धीरे। तो बेसिकली वो पानी वैसे भी डिस्ट्रॉय हो ही रहा है, राइट। रेन वाटर हम लोग जो इतना अच्छे से यूज कर सकते हैं वो पानी वेस्ट ही हो जाता है डिफॉरेस्टेशन के कारण। नहीं तो तुम लोग देखोगे फॉरेस्ट में क्या होता है, कहीं पे यू कैन से कि छोटे छोटे ना पानी के कलेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि पेड़ों में इतनी कैपेसिटी है कि उनकी रूट्स वाटर को होल्ड करके रखेंगे। होल्ड अगर करके रखेंगे तो धीरे धीरे पानी सिप होता जाएगा अंडर द ग्राउंड, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पे या तो तुम्हारे वेल्स बन जाते हैं, या फिर तुम कहो कि वहां पे यू कैन से कि ग्राउंड वाटर लेवल विल गेट इंक्रीज ड्यू टू दैट, राइट। अब डिफॉरेस्टेशन के कारण में मिट्टी अगर पेड़ों को ही ढंग से नहीं पकड़ पाएगी तो वो बेटा तुम्हारे इसको कैसे पकड़ लेगी, वाटर जो रेन वाटर आता है, राइट। होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है ना। अब मैं बात करती हूँ कंजर्वेशन ऑफ वाटर की। अब जो मैंने उसे वेस्ट किया है पानी को,
अब उसे कंजर्व कैसे करें, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, अब जो चीज हो गई है वो हो गई है, हाउ टू कंजर्व नाउ। तो तुम लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सुना होगा, राइट? अब वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में तुम लोगों ने दो चीजें सुनी होगी, एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग तुम कह सकते हो, और हम लोग यहीं पे कह सकते हैं कि बावरीज, जो पुराने जमाने में जो लोग थे, राजा महाराजा महाराजा दे विल बेसिकली क्रिएट द बावरीज। बावरीज में होता क्या था, मान लो उनके महल इतने बड़े बड़े हैं, तो दे विल बेसिकली क्रिएट द स्टेयर्स ओवर हेयर, एंड फ्रॉम द ऑल साइड दे विल क्रिएट द स्टेयर्स, राइट? और यहाँ पे होता क्या था बेटा, जैसे ही रेन वाटर आया करता था तो स्टेयर्स में ना पानी भर जाया करता था। ये वाटर जो रेन वाटर का कलेक्ट हुआ है पूरा का पूरा पानी, दे विल यूज दिस वाटर व्हेन नो रेन इज देयर, व्हेन देयर इज अ, जब पानी की उन्हें कमी महसूस होगी तो ये वाला पानी वो यूज कर सकते हैं, राइट? दीज ब्यूटिफुल यू विल सी बावरीज इन द हिस्ट्री ऑल्सो, कि जो राजा महाराजाओं के बिल्डिंग्स या फिर समथिंग उनके मॉन्यूमेंट्स हुआ करते थे, वहां पे ऐसे प्लेसेस तुम्हें दिखाई देंगे जहां पे बीच में बहुत सारा पानी है। वो कोई उन्होंने शो के लिए नहीं रखा हुआ, दिस इज बेसिकली दे यूज देयर ब्रेन्स सो दैट कि जब पानी की कमी हो देन दे कैन यूज दिस वाटर। दिस वाटर इज प्योर ही है, राइट? दिस वाटर इज प्योर, व्हाई? बिकॉज़ इट इज कमिंग फ्रॉम द रेन, राइट? आइदर नाउ यू कैन डू दैट, दैट वाटर यू कैन यूटिलाइज फॉर द फिशिंग, यू कैन यूटिलाइज फॉर ड्रिंकिंग आल्सो बाय बॉइलिंग और बाय एडिंग क्लोरीन टू इट, तुम यूज कर सकते हो पीने के लिए, राइट? वो फ्रेश वाटर ही है, बिकॉज़ इट इज कमिंग फ्रॉम द बेसिकली यू कैन से इट इज कमिंग फ्रॉम द रेन। तो रेन वाटर तुम्हें पता ही है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, राइट, वाटर की। अब मैं यहाँ पे बेटा बात करती हूँ हाउ टू प्रिवेंट अगेन दिस फॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो तुम्हें पता है कि अभी मैंने पेड़ काटे, तो पेड़ काटने से तो तुम्हारा पानी कम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, डिफॉरेस्टेशन उससे बोलते हैं, तो अब इसे क्या बोलेंगे, एफॉरेस्टेशन, राइट? दिस इज नोन एज द एफॉरेस्टेशन, जिसमें क्या होता है बेटा कि पेड़ लगाओगे, जितने पेड़ लगाओगे वो मिट्टी की, पेड़ मिट्टी पकड़ने की, जो मिट्टी की होल्डिंग पावर होती है वो इंक्रीज होती है। उसके कारण होगा क्या, जो भी वाटर रेन वाटर आएगा वो उसे होल्ड करता रहेगा, और धीरे धीरे वो रेन वाटर एक्सेस में अगर आएगा तो वो धरती के नीचे जाता रहेगा। इट विल बेसिकली एट द एंड इट विल फॉर्म योर ग्राउंड वाटर, और यू कैन से कि इट विल इंक्रीज योर ग्राउंड वाटर, राइट? ओके गाइस, दिस चैप्टर इज आई थिंक फिनिश, और यू जस्ट रीड फ्रॉम योर बुक दिस चैप्टर, यू कैन रीड फ्रॉम दिस योर बुक, एंड मोर इम्पॉर्टेंट टू रीड द एनसीईआरटी, राइट? बिकॉज एनसीईआरटी में बेटा कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम्हारी बुक्स में वो प्रेजेंट है, तो तुम्हें वो एनसीईआरटी रीड आउट करनी है अलॉन्ग विद योर बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द वीडियो, देन रीड योर बुक and read the NCERT. If you will not understand that thing, whatever be the topic is there, you can send to me on the WhatsApp, or you can call also, right? Okay, thank you so much guys, and you have provided with the, one more thing is there, I have provided the worksheet of this water chapter, complete that worksheet before Saturday and submit it, right? This is not for the chemistry, you have to do for the maths and SST, maths and biology and the physics also, okay? Thank you so much guys.